हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्रणव मुखर्जी से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रणव मुखर्जी का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 11 दिसंबर 1935 को। प्रणव मुखर्जी का जन्म मेरावती स्थान जिला किरनाहर पश्चिम बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रणव मुखर्जी के पिता का क्या नाम है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कामदा किनकर मुखर्जी। और प्रणव मुखर्जी की माता का नाम है राजलक्ष्मी मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रणव मुखर्जी ने बीए और एमए की डिग्री कहाँ से प्राप्त की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कोलकाता विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रणव मुखर्जी राज्यसभा के सदस्य कब बने थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत रत्न अवार्ड 2019 निम्न में से किसे दिया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रणव मुखर्जी और भूपेन हजारिका और नाना देशमुख भारत रत्न अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रणव मुखर्जी वित्त मंत्री किस वर्ष बने थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1982 से 1984 तक। और फिर दोबारा प्रणव मुखर्जी वित्त मंत्री बने थे 2009 से 2012 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रणव मुखर्जी कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 13वें राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रणव मुखर्जी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही। चैलेंजर्स बिफोर द नेशन 1992 और द टर्बुलेंट ईयर 1980-1996-2016, ये दोनों इनकी प्रसिद्ध पुस्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रणव मुखर्जी को निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? प्रणव मुखर्जी को भारत रत्न अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया था। और प्रणव मुखर्जी को पद्म विभूषण 2008 से सम्मानित किया गया था। और प्रणव मुखर्जी को द ग्रैंड कोस्ट ऑफ ग्लोरी कोस्ट 2016 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रणव मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति कब बने थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 2012 में। 25 जुलाई 2012 को प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में गोपनीयता शपथ ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रणब मुखर्जी का राजनीतिक दल क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कांग्रेस। प्रणब मुखर्जी का राजनीतिक दल था कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोएलिशन ईयर्स किसकी आत्मकथा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्रणव मुखर्जी की। द कोएलिशन ईयर्स प्रणव मुखर्जी की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी की मृत्यु कब हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 31 अगस्त 2020 को। प्रणव मुखर्जी की मृत्यु 84 साल की उम्र में 31 अगस्त 2020 को हुई थी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।